वैसे भाई लोग आपका वेलकम है। आज अपन पोको F5 पर BGMI गेम प्ले टेस्ट करेंगे, तो अपडेट के बाद देखते हैं डिवाइस की ग्राफिक्स। स्मूथ पर 90 FPS से लेकर ये डिवाइस HDR पर 60 FPS और आगे अल्ट्रा HDR सपोर्ट करता है। सो डिवाइस के ग्राफिक्स को मैंने स्मूथ पर 90 FPS करके कलरफुल 4x करके सेव किया और यहाँ से आगे चल दिया सीधे BGMI की गेम प्ले की ओर। वैसे भाई लोग मैं करने वाला हूँ 30K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर 3 गिवअवेज, जिस पर नंबर 1 iPhone 11 128GB, सेकेंड गिवअवे पोको X5 6 128GB। ध्यान रहे सेकेंड गिवअवे ओनली मेंबर्स के लिए है, एंड थर्ड गिवअवे 5 RP विनर, जिसके रूल्स आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पोको F5 को लेकर मैं सीधे आ गया फ्रोजन किंगडम। जी हाँ, ये वाले इवेंट पर गजब सी 10 से 15 बंदे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सो यहाँ पर बहुत सारे बंदे आए हुए थे, जिसमें से एक बंदा नॉक फिनिश और एक बंदा बाजू परे। जी हाँ, ये पत्थर के पीछे ये फोड़ा फाड़ी मचा रहे शायद। ये बंदा नॉक फिनिश। तो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं आपको बता दूं, डिवाइस पर आपको स्नैपड्रैगन 7+Gen2 का 5G चिपसेट मिलता है। तो ये बंदा इसको फोड़ रहा था, लेकिन भाई साहब उससे पहले पकड़ के पेल दिया इसको, खत्म। तो देखिए रणवीर सिंह, जी हाँ बॉलीवुड की पिक्चर बनाना चाहिए, लेकिन भाई साहब ये गलत जगह पर गलत वक्त पर पहुंच गए। सी द नॉक फिनिश। एक और बंदा नजर आया था जिसको नॉक किया। यहाँ से आगे जाता हूँ, मेरे हिसाब किताब से इसका टीममेट है यहाँ पर। सो फाइनली ये दोनों बंदे सीधे पेटी में तब्दील। यहाँ से आगे एक नॉक वाला बंदा था, ये बंदा फिनिश। सो यहाँ से आगे जाता हूँ, बंदे स्प्रे बाजी कर रहे थे, एक नॉक वाला बंदा फिनिश और एक बंदा 1 HP। तो मैं इस बंदे का पीछा करता हूँ। वैसे भाई लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं डिवाइस पर सिस्टम के स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ इस गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब BGMI ने ये वाला इवेंट फुल्ली ऑप्टिमाइज किया नहीं है, जिसके चलते भाई साहब बहुत सारे ग्लीचों का सामना करना पड़ रहा है। और एक और चीज पर ध्यान दीजिएगा, डिवाइस पर ऊपर की ओर ग्रीन कलर से FPS मीटर को चालू करके रखा हूँ। वैसे ये बंदा मेरे आसपास है। इस बंदे को पकड़ के पेटी में तब्दील कर दिया, लेकिन भाई साहब दूसरे बंदे ने हमारे भाई को नॉक फिनिश कर दिया था यहाँ पर। तो मैं आ गया बंदे के पास, मेरे ख्याल से बंदा इसी घर के अंदर कैंपिंग कर रहा है, ये ऊपर है शायद। जी हाँ ये नीचे कूदा। तो मैं इस बंदे के मुंह पर बमबाजी करता हूँ, ये यहीं कहीं पर है शायद। बंदा ब्लास्ट। तो इस बंदे का टीममेट इसको कवर फायर दे रहा था, वो बंदा फिनिश। सो मेन आउटड्रॉप से आगे मैं आया नोवो के पास, और इस रिकॉल टावर के आसपास दो स्क्वाड आपस पर अपना भाईचारा खराब कर रही थी। तो मैं आ गया इन बंदों की पेटी बनाने, ये देखिए गजब सीन। एक बंदा नॉक। हाल फिलहाल मेन हॉट ड्रॉप के आसपास अगर सर्कल बनता है तो अच्छे खासे किल्स मिलते हैं आपको, लेकिन भाई साहब अगर सर्कल नीचे कहीं पर बन गया तो, मेरे कहने का मतलब मिल्टर तरफ बन गया तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मरने के बाद बंदे लोग रैंक पुश करने लगते हैं, जिसके चलते बंदे आपको मिलेंगे नहीं और किल्स कम हो जाते हैं। सामने की ओर पर मेरे हिसाब किताब से, जी हाँ इन घरों पर बंदे हैं। तो एक बंदा स्प्रेबाजी करके भागा, और ये स्प्रेबाज डैमेज। रिच पे एक बंदा था, वो बंदा नॉक फिनिश। तो मेरे ख्याल से इस घर पर दो बंदे और बचे हुए हैं, चिमनी चुमनी फेंक रहा था। यहाँ से एक बंदा क्लोज पर है,
ये नॉक फिनिश। और जो बंदा घर के ऊपर था वो बम से नॉक, और एक बंदा नीचे भी है। वैसे देखिए इन घरों पर पूरे का स्क्वाड था और एक बंदा पीछे भी है। ये लास्ट बंदा फिनिश, और ऊपर वाला रिच वाला बंदा। जी हाँ, इस बंदे की पेटी हिसाब किताब से बनाता हूँ, लेकिन भाई साहब उससे पहले हीलअप कर लेता हूँ। यहाँ से आगे छत के ऊपर मैं पहुंचा तो मुझे एक सांप नजर आया, और ये सांप नॉक फिनिश। सो फाइनली इस मैच पर 17 किल मेरे हो चुके थे। यहाँ से आगे मैं जाऊंगा ब्रिज के पास, क्योंकि भाई साहब ब्रिज के आसपास बंदे हो सकते हैं। मैं ब्रिज पर, कोई नहीं है क्या? गजब सीन। मैं फिनिश। अरे भाई साहब ब्रिज पर कैंपर बंदे हैं, ये देखिए एक बंदा खड़ा था यहाँ पर। पीछे भी बंदे हैं, साइड में भी बंदे हैं। वैसे इस मैच पर 4 बंदे बचे हुए थे, और ये चारों बंदे ब्रिज पर अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। यहां से आगे गजब सीन, 2 भाई नॉक। तो ये थे स्प्रेबाज रिया, इसको हमारे भाई ने ग्लेशियर पेल दिया। ये नॉक, एक और बंदा है सामने और एक बंदा पीछे है। गजब सीन, एक बंदा नीचे भी है। यहां से पीछे जाएंगे पत्थर के पास, पास वाले बंदे की पेटी बनाओ। सो मेरे हिसाब किताब से बंदा गाड़ी के आजू बाजू लेटा हुआ है शायद, बमबाजी। लेकिन भाई साहब ये बंदा ग्लेशियर से नॉक फिनिश। तो भाई साहब यहां से आगे, ओ यहां पर ये देखिए गिनी सूट बाज जिसने हमारे भाई की पेटी बना दी है यहाँ पर। वैसे भाई लोग पोको F5 की परफॉर्मेंस BGMI के अंदर, वो भी इस नए वाले अपडेट पर अच्छी खासी है। लेकिन भाई साहब इस नए वाले अपडेट पर बहुत सारे बक्स हैं जो कि फिक्स होंगे, जिनके फिक्स होने के बाद मैं आपको फाइनल रिव्यू दूंगा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।